हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और ये है 66 साल के अमिताभ बच्चन का वो ट्रांसफॉर्मेशन जिसने उन्हें एक 13 साल के प्रोजेरिया नामक बीमारी से जूझ रहे बच्चे में बदल दिया। लेकिन प्रोस्थेटिक मेकअप से हुए इस चमत्कार के लिए उन्हें एक या दो घंटे नहीं बल्कि 5 से 6 घंटे सेट पर एक ही कुर्सी पर बैठकर बिताने पड़े थे। यही नहीं, अगर आप बॉलीवुड के किंग खान के जबरे फैन हो तो आपने फैन मूवी में उनके जवान कैरेक्टर गौरव के चेहरे को जरूर देखा होगा, जिसके लिए शाहरुख खान को भी 4 से 5 घंटे बिग बी की तरह बैठ बैठ कर काटने पड़े थे। लेकिन क्या आपको पता है, एक बेसिक से घाव को लगाने के लिए प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट 25,000 और फुल बॉडी के प्रोस्थेटिक्स का 8 to 10 lakh एक ही झटके में वसूल लेते हैं। बट सवाल ये है कि एक इंसान को ऐसे से ऐसे बनाने की इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं, क्या क्या इस्तेमाल होता है, और ये सारी कहानी आपको आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है। पर हॉलीवुड के नक्शे कदम पर चलकर जब जब प्रोस्थेटिक मेकअप वाली मूवी बनी है जैसे परी, रोबोट 2.0, कपूर एंड सन्स, वो कमर्शियली कमाई नहीं कर पाई है, तो भी बॉलीवुड इस इंडस्ट्री में अपने पैर क्यों बढ़ाते जा रहा है। वेल, चलिए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में जिसका टाइटल है हाउ बॉलीवुड ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस विद मेकअप एंड प्रोस्थेटिक्स। अब प्रोस्थेटिक मेकअप जिसे SFX मेकअप भी कहते हैं, वो बॉलीवुड की हर दूसरी फिल्म जैसे कि मैरी कॉम, गुलाबों सिताबों में इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपको पता है इसकी जड़ बॉलीवुड में कब बोई गई थी? तो फ्रेंड्स, बॉलीवुड की वो मूवी जिसे प्रोस्थेटिक मेकअप को शुरू करने का क्रेडिट दिया जाता है वो है 1981 में बनी चेहरे पे चेहरा, जिसमें संजीव कपूर के चेहरे को एक शैतानी चेहरे में बदल दिया गया था। लेकिन इस मूवी में शशिकांत मात्रे के कमाल के प्रोस्थेटिक मेकअप करने के बाद जैसे जैसे बॉलीवुड मूवीज का बजट बढ़ता गया वैसे ही इंडियंस की जगह वेस्टर्न मेकअप आर्टिस्ट की भर्ती होने लगी, जैसे माइकल वेस्टमोर और बैरी कोपर जिन्होंने 1997 में चाची 420 का लुक क्रिएट किया था, क्रिस्टियन टिंसले जिन्होंने 2009 में पा का लुक क्रिएट किया था, और ग्रेग कैनोब जिन्होंने फैन में शाहरुख खान और कपूर एंड सन्स में ऋषि कपूर का लुक क्रिएट किया था। हालांकि तब से लेकर अब तक बॉलीवुड के इस प्रोस्थेटिक मेकअप की दुनिया में बहुत बदलाव आए हैं। आज जूबी जोहाल और प्रीतिशील सिंह डिसोजा बॉलीवुड के जाने माने प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट हैं। और आज बॉलीवुड में जैसे मैंने बताया एक स्कार लगाने की कीमत 25,000 रुपए है, और एक दिन के पूरे प्रोस्थेटिक लुक के लिए जिसमें कैरेक्टर डिजाइनिंग से लेकर लैब वर्क और सिलिकॉन एप्लीकेशन शामिल होते हैं उसकी कीमत 8 से 10 लाख रुपए है। और इसका सबसे बड़ा रीजन तो इंडिया में प्रोस्थेटिक मटेरियल की कमी है जो उन्हें विदेशों से मंगाना पड़ता है। मगर हैरान करने वाली बात तो यह है कि आज मेकअप पर लाखों का खर्चा करने वाले बॉलीवुड में एक टाइम ऐसा था जब खून की जगह पे ये चॉकलेट सिरप और कॉर्न सिरप का इस्तेमाल करते थे। पर आज प्रोस्थेटिक मेकअप करने वाले आर्टिस्ट साल भर में 50 लाख से 1 करोड़ तक कमा लेते हैं। सो अब आपको प्रोस्थेटिक मेकअप के इतिहास का पता चल गया है, तो आइए जरा बॉलीवुड में हुए आइकॉनिक ट्रांसफॉर्मेशंस पर गौर फरमा लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले इंडस्ट्री के ग्रीक गॉड उर्फ ऋतिक रोशन की बात करेंगे, जिनका धूम टू में न जाने कितनी बार ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में ऋतिक के चेहरे के लाइफ कास्ट को सही मेजरमेंट्स के साथ सिलिकॉन से स्कल्प्टिंग और मोल्डिंग किया गया था, क्योंकि इसी सिलिकॉन की कास्ट पे सभी तरह के व्रिंकल, स्कार्स, वेन, स्किन डिस्कलरेशन जैसे हर इफेक्ट को दिखाया जाता है। इसके बाद जब उनका लुक फाइनल हो जाता है तब उस कास्ट को उनके स्किन कलर से मैच कर उसे एक लिक्विड के जरिए उनके फेस पर लगाया जाता है, और फिर इसी के ऊपर कैरेक्टर की जरूरत अनुसार मेकअप कर उस कैरेक्टर के चेहरे को रेडी किया जाता था। और ठीक इसी तरह धूम टू में ऋतिक के हर कैरेक्टर पर प्रोस्थेटिक मेकअप को यूज किया गया है। हालांकि प्रोस्थेटिक मेकअप में शुरू से ही सिलिकॉन से ही कास्टिंग नहीं की जाती थी, इनफैक्ट पहले लाइफ कास्टिंग के लिए जिप्सम सीमेंट को यूज किया जाता था, उसके बाद इसे जेलेटिन ने रिप्लेस किया, जिसके बाद लेटेक्स को यूज किया जाने लगा था, लेकिन फिर वही मेथड पुराना हो गया और इसीलिए अब उसकी जगह पर सिलिकॉन का यूज किया जाता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ ये सभी टेक्निक्स पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं यूट्यूब पर ऐसे ही सर्फ कर रहा था और मेरे सामने एक रियली कूल चैनल आया, एक ऐसे बंदे का जो दुनिया भर में ट्रैवल करता है, लिव्स कलरफुल एंड इंटरेस्टिंग लाइफ, लग्जूरियस हॉलीडेज एंजॉय करता है और पैसे कमाता है विदाउट डूइंग ट्रेडिशनल हार्ड वर्क। इसके पास एक काफी स्मार्ट कॉन्सेप्ट है, चैनल का नाम है सौम्यो रॉय, जिसमें रॉय रेगुलरली शेयर करते हैं अमेजिंग वीडियोस अपनी लाइफ के बारे में अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, और यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी देते हैं उन सभी के लिए जिनको और पैसे कमाने विदाउट डूइंग रूटीन जॉब्स। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है इन मेकिंग मनी
जर्नी। और अगर आपको भी ट्राई करना हो और अपने सपने पूरे करने हो तो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और सब्सक्राइब कर लेना रॉय के चैनल को। और यहाँ पर एक लकी ड्रॉ कॉम्पिटिशन भी चल रहा है 23 अक्टूबर तक, जहाँ पर आपको इनके सिग्नल क्लब को ज्वाइन करना होगा और आपको चांस मिलेगा कैश प्राइज जीतने का, जो आपको क्रिप्टो करेंसीज के रूप में मिलेगा। और जो टोटल प्राइज है ना वो 8,250 USDT है प्लस सैमसंग गैलेक्सी S20 Plus। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू नो ऑल द टर्म्स। अब जरा इन्हें देखिए, कौन लग रहे हैं ये आपको? चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये है, यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन ये सब प्रोस्थेटिक का कमाल है, जिसने 5 से 6 घंटे की मेहनत और 16 अलग अलग लुक्स के बाद एक हंसते खेलते 37 साल के इंसान को 374 साल पुराना बना दिया। दरअसल फिल्म राब्ता में राजकुमार राव की गेस्ट अपीयरेंस थी, जिसके लिए उन्हें प्रोस्थेटिक मेकअप की जरूरत थी, क्योंकि उन्हें एक 374 इयर्स के बुजुर्ग का रोल प्ले करना था। और इसी वजह से उनका लुक फाइनल होने के पहले उन पर 16 बार अलग अलग तरीकों का प्रोस्थेटिक यूज हुआ था, जिसके बाद डायरेक्टर ने उनके इस लुक को फाइनल किया था। और फिर क्या था, लुक के फाइनल होते ही राजकुमार रोजाना 5 से 6 घंटे अपने इस प्रोस्थेटिक मेकअप के लिए बैठा करते थे। इसे राजकुमार के इस लुक के लिए लॉस एंजलिस की जूबी जोहाल की स्पेशल टीम यहाँ पर आई थी, जिन्होंने बताया कि इस प्रोसेस के वक्त इतना टाइम लग जाता था कि मेकअप पूरा भी नहीं होता था और एक्टर स्वेट में डूब चुके होते थे। ऐसे ही प्रोस्थेटिक का इस्तेमाल दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक में भी किया गया था, जिसमें उसे एक एसिड अटैक सर्वाइवर का लुक देने के लिए पहले उनके चेहरे की स्ट्रक्चरिंग और मोल्डिंग की, इसके बाद उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में डिप किए हुए पतले पतले स्ट्रिप से रैप किया गया, जिसमें उसका नाक मुंह सब कुछ ब्लॉक हो जाता था। और वैसे इस पूरी मूवी में दीपिका पे 9 अलग अलग टाइप के प्रोस्थेटिक्स यूज हुए हैं, पर इन प्रोस्थेटिक्स में जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था वो उनका सर्जरी वाला लुक था, जिसमें आर्टिस्ट को उनकी स्किन के ऊपर से स्किन निकलता हुआ दिखाना था। और ये सब कुछ इतना टाइम कंज्यूमिंग था कि फिल्म में उनके मेकअप को खत्म होने में रोजाना 12 से 14 घंटे तक लग जाते थे। पर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि प्रोस्थेटिक के सिर्फ मेकअप में टाइम लगता है, कई बार प्रॉपर स्कल्पटिंग के लिए भी जरूरत से ज्यादा समय लग जाता है, जैसे पीएम मोदी की बायोपिक में लगा था, क्योंकि मेकर्स फिल्म में विवेक ओबेरॉय की नाक आंख मुंह हर एक चीज को हूबहू पीएम मोदी जैसा दिखाना चाहते थे, जिस वजह से 2 से 3 महीने सिर्फ प्रोस्थेटिक का ही ट्रायल हुआ था। अब फ्रेंड्स, अब आते हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया पर, जिन्होंने अपने 25 साल के करियर में कभी हैवी मेकअप नहीं करवाया था, लेकिन रोबोट 2.0 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें कहना पड़ा कि पूरे 25 साल का कसर पूरा हो गया है, क्योंकि चिड़ियामन बने अक्षय को अपने कॉस्ट्यूम और मेकअप करवाने में हीरोइन से ज्यादा समय लगता था, यानी 5 से 6 घंटे बड़े आराम से, जिसके बाद 5 से 6 घंटे की शूटिंग के दौरान कॉस्ट्यूम और प्रोस्थेटिक के चलते उनकी बॉडी के पोर्स को ऑक्सीजन तक नहीं मिलता था, और इसीलिए कॉस्ट्यूम के निकलते ही वो स्वेटी स्वेटी स्मेल करने लगते थे। पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उनकी शूटिंग बाकी के हीरोज की तरह सालों तक नहीं चलती थी, क्योंकि 38 से 40 डेज तक चली इस शूटिंग के दौरान उन्हें स्ट्रिक्ट लिक्विड डाइट पर रखा गया था, यानी मिल्क शेक्स, जूसेस और पानी पीने के अलावा उन्हें कुछ भी खाना अलाउड नहीं था, और इसकी वजह से उनका प्रोस्थेटिक मेकअप जो कुछ भी खाने की वजह से खराब हो सकता था और जो मोल्ड उनकी बॉडी से बनाया था वो बॉडी शेप चेंज होने से किसी काम का नहीं रहता। लेकिन प्रोस्थेटिक से होने वाली परेशानियों से सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस भी हैरान परेशान है, जैसे हाउ द ग्रिंच स्टोल क्रिसमस मूवी में जिम कैरी ने हरे भरे ग्रिंच नामक प्राणी का रोल करने के लिए 8 घंटों तक लेटेक्स के प्रोस्थेटिक मेकअप में रहने और उसे झेलने के लिए बकायदा एक्सीआई एजेंट से ट्रेनिंग ली थी, जो इन्हें टॉर्चर रेजिस्टेंस टेक्निक सिखाते थे। वेल, That's something serious. देखा जाए तो ये बात सभी जानते हैं कि किस तरह से हम और हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री शुरू से ही हॉलीवुड से इन्फ्लुएंस होती आ रही है, और इसीलिए जो चीज पहले सिर्फ VFX तक ही लिमिटेड थी वो अब SPFX में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर हम हॉलीवुड की बात करें तो प्रोस्थेटिक मेकअप का यूज उनके यहाँ पर 1954 में ही शुरू हो गया था, जिसके बाद से लेकर हॉलीवुड आज तक दुनिया को अपनी इस टेक्निक कुछ इस तरह से दिखा रहा है। और फिर मूवी चाहे X-Men हो, जिसने 2,000 करोड़ कमाए थे, या फिर हैरी पॉटर द गॉब्लेट ऑफ फायर हो, जिसने 6,000 करोड़ कमाए थे, या फिर सबकी फेवरेट टर्मिनेटर 2 जिसने 3,000 करोड़ कमाए थे, इन सभी मूवीज ने जितना खर्चा अपने प्रोस्थेटिक्स पे किया था उससे कई ज्यादा उनकी कमाई हुई है। जब इस बारे में मेकअप आर्टिस्ट से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फिल्म में प्रोस्थेटिक्स यूज करने से फिल्म की ब्रांडिंग और मार्केटिंग तो अच्छी हो जाती है, इसके साथ ही ऑडियंस का उस कैरेक्टर से कनेक्ट करना और उसे रियल मानना और भी ज्यादा पॉसिबल हो जाता है। लेकिन वही हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि कई बार करोड़ों
रुपए का प्रोस्थेटिक यूज होने के बाद भी कई ऐसी मूवीज है जो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि इंडिया में भी प्रोस्थेटिक मेकअप का यूज 1981 में फिल्म चेहरे पे चेहरे से शुरू हुआ था, ये आपको पता है। लेकिन फिर भी आज हम जब भी SPFX की बात करते हैं तो हम उसका कंपैरिजन हॉलीवुड की मूवीज से करते हैं, और उसी कंपैरिजन के चक्कर में कई बार बॉलीवुड चाहे जितने भी तरीके से देसी में विदेशी दिखा ले, ऑडियंस को वो पसंद नहीं आता एंड एज अ रिजल्ट मूवी फ्लॉप हो जाती है। इस कंपैरिजन के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऋषि कपूर की फिल्म कपूर एंड सन्स, और उससे पहले आई अनिल कपूर की बधाई हो बधाई, जिसमें लाखों रुपए खर्च कर प्रोड्यूसर्स ने कैरेक्टर्स को रियल दिखाने की कोशिश की, लेकिन इसमें से एक भी फिल्म हिट नहीं हुई, जिससे यही पता चलता है कि मूवीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए कैरेक्टर्स का रियल और कन्विंसिंग होना तो जरूरी है, जो काम प्रोस्थेटिक मेकअप्स कर भी देते हैं, पर इसके साथ ही उनको एक अच्छे स्टोरी लाइन की भी जरूरत होती है, ताकि सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं ऑडियंस को मूवी भी एंटरटेनिंग और कनेक्टिंग लगे। और ऐसे में आपको नहीं लगता सिर्फ हॉलीवुड को देखकर इतने टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को अपनाना और उस पे पैसे खर्च करना बॉलीवुड के लिए तब तक फायदेमंद साबित नहीं होगा जब तक मूवी की स्टोरी पे काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि पा छपाक धूम टू जैसी मूवीज भी थी जिनमें प्रोस्थेटिक के साथ साथ स्टोरी पे भी ध्यान दिया गया था, और इसीलिए मूवी ने उम्मीद से ज्यादा कमाया था। आपको क्या लगता है, क्या कैरेक्टर्स को रियल और दमदार दिखाने के लिए प्रोस्थेटिक्स का खर्चा ही मूवी को हिट बनाता है, या फिर वो अकेला काफी है? क्योंकि अगर ऐसा है तो पुरानी मूवीज में तो ना हॉलीवुड से कंपैरिजन था और ना ही उनमें इतनी हाई एंड मेकअप टेक्निक्स यूज होती थी, फिर भी उन मूवीज ने आज तक लोगों के दिलों में घर बनाए रखा है। अपनी राय मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। मेरे हिसाब से स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना जिससे लोग कनेक्ट कर सके और एंड तक वो कनेक्शन बना रह सके। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!